बिग बॉस के घर में प्रियांक शर्मा दोबारा एंट्री ले चुके हैं और हाल ही के एपिसोड में आपने देखा कि उनके लौटने के बाद से घर का माहौल बिल्कुल बदला सा लग रहा है। बता दूं कि प्रियांक लगभग 10 से 15 दिन घर से बाहर रहे। इस दौरान उन्होंने घर के कंटेस्टेंट के बारे में ऐसी ऐसी बातों का पता लगाया जो दोबारा से विवादों को जन्म दे सकती हैं। कल बिग बॉस द्वारा दिए गए एक कार्य के दौरान अर्शी खान और सपना चौधरी में जमकर बहस होती है। इसके बाद प्रियांक अपनी चाल चलते हुए सपना से अर्शी की जिंदगी से जुड़े एक ऐसे काले सच का साझा करते हैं जिसे सुनते ही अर्शी के पांव तले जमी खिसकती जाती है। जी हाँ, सपना ने बहस के दौरान अर्शी से सिर्फ दो शब्द कहे, पुणे और गोवा। इसके बाद आपने देखा कि अर्शी किस तरह से प्रियांक के पास बार बार जाकर ये पूछने की कोशिश करती है कि आखिर उन्होंने सपना से ऐसा क्या कह दिया है। खैर, प्रियांक बार बार कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया और वो जानते भी नहीं हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये पुणे और गोवा क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ कि अर्शी की जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनकर शायद आपके भी कान यकीन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, अर्शी के नाम पर पुणे के एक सेक्स रैकेट जुड़ा हुआ है। साल 2016 में आई पूना मिरर की एक खबर के मुताबिक पुणे पुलिस को लगा था कि अर्शी सेक्स रैकेट का हिस्सा थी। विपुल दहल नाम के एक शख्स को इस रैकेट का एजेंट बताया गया था और ये शख्स पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था। इसके बाद विपुल और अर्शी का एक वीडियो क्लिप भी सामने आया था जिसमें ये बात सामने आ रही थी कि वो क्लाइंट की तलाश में थी। आपको बता दूं कि अर्शी का नाम पुणे में ही नहीं बल्कि गोवा के सेक्स रैकेट से भी जुड़ा था। गोवा की पुलिस ने अर्शी को 5-स्टार होटल से गिरफ्तार किया था, लेकिन उन्हें पुलिस को ये यकीन दिलाने में कामयाबी मिल गई कि उनका ऐसी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। इस वाक्य के बाद अर्शी तुरंत मुंबई पहुंच गई थी। तो ये था पूरा पुणे और गोवा का कांड, जिसको सुनकर अर्शी के पांव तले जमीन खिसक गई कि आखिर सपना को इसके बारे में क्या क्या पता है।